खबर है पूरे झारखंड से। पहला खबर है धनबाद से। टैंकर में ले जाया जा रहा था शराब बनाने को स्प्रिट। मेथन ओपी के पीछे स्थित मुंडेश्वरी होटल के पास छापेमारी। शराब निर्माण में उपयोग होने वाले स्प्रिट के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ उत्पाद विभाग धनबाद ने किया है। विभाग ने एक टैंकर स्प्रिट के साथ उसके खलासी को गिरफ्तार किया है। टैंकर में भरे स्प्रिट के संबंध में कोई दस्तावेज भी बरामद नहीं हुआ है। उत्पाद विभाग टीम ने टैंकर को जब्त कर लिया है और खलासी को जेल भेज दिया है। टैंकर को मेथन थाना ओपी के पीछे स्थित मुंडेश्वरी होटल के पास से जब्त किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बोले, हेमंत सोरेन सरकार के 13 माह के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि कुशासन और अराजकता है। राज्य में अक्षम सरकार है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अराजकता चरम पर है। राज्य सरकार की इस 13 महीने की सबसे बड़ी उपलब्धि कुशासन और अराजकता है। कानून व्यवस्था से हर आम और साक त्रस्त है। चुनाव में किया गया एक भी वादा जमीन पर नहीं दिख रहा है। स्थिति यह है कि सरकार निर्णय लेने में भी अक्षम है। लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार आलोचना सुनने नहीं चाहती है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उक्त बातें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कही। वे भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हेमंत सोरेन सरकार के 13 माह के कार्यकाल पर पत्रकार से बातचीत के दौरान कही थी। खबर है जमशेदपुर से। जमशेदपुर में 22 दिनों में चोरी की 12 वारदात, शहरवासी हैं परेशान। जमशेदपुर पुलिस सभी संविधान से लैस है। शहर में सिटी पेट्रोलिंग थाना की गश्ती और टाइगर मोबाइल की 24 घंटे पेट्रोलिंग की व्यवस्था है और इस पर लाखों खर्च हो रहे हैं। बावजूद चोरी करने वाले गिरोह व्यवस्था में छेद कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिससे हर कोई परेशान है, चाहे कारोबारी हो या आम लोग। हो भी क्यों नहीं, चोर घर और प्रतिष्ठान को निशाना बना रहे हैं। जनवरी के बीते 22 दिनों में चोर ने चोरी के 12 घटने को अंजाम दिया है। फेमिना मिस इंडिया के फाइनल में हजारीबाग की रूपाली भूषण पहुंची। हजारीबाग की रूपाली भूषण ने फेमिना मिस इंडिया के फाइनल में प्रवेश किया है। फाइनल में प्रवेश करने के बाद रूपाली ने बताया कि मिस इंडिया बनना हमारा लक्ष्य है। इस खूबसूरत दिन का लंबे समय से मुझे इंतजार था। मैं रिजल्ट सुनने के लिए काफ़ी उत्साहित थी। हमारा विश्वास था कि हमारा चयन हो जाएगा, लेकिन प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागी अच्छे थी। अपने माँ भी कहा करती थी कि बेटा तुम सेलेक्ट हो जाएगी। रूपाली को ननिहाल का भरपूर स्नेह प्यार मिला, लेकिन ये स्नेह कमजोरी का नहीं मजबूत प्रेरणा का कारण बन गया। रिजल्ट के पूर्व बावजूद मैं थोड़ी नर्वस थी। ऐसे प्रतियोगिता में हर किसी के साथ नर्वस होता है। अब हमारा लक्ष्य मुंबई होने वाले फेमिना मिस इंडिया पर आंखें टिकी है। खबर है रांची से। एटीएम फ्रॉड रोकने के लिए पीएनबी की बड़ी पहल। 1 फरवरी से झारखंड में इन एटीएम से नहीं निकलेंगे पैसे। हाल के दिनों में एटीएम फ्रॉड के मामले काफी बढ़ गए हैं। इसे देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने 1 फरवरी से सख्त फैसला लिया है। बैंक ने अपने खाता धारकों के लिए नॉन ईएमवी एटीएम से पैसे की निकासी पर रोक लगा दी है। यानी ग्राहक शहर के किसी भी नॉन ईएमवी एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। बैंक ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ग्राहकों को ये जानकारी दी है। खबर है रांची से। संविदा कर्मी पर लाठीचार्ज। बिरसा चौक पर आंदोलन कर रहे लेखा लिपिक और जूनियर इंजीनियरों पर लाठीचार्ज हुआ। बिरसा चौक पर आंदोलन कर रहे 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मियों पर शुक्रवार को पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। इस लाठी चार्ज में पंचायती राज लेखा लिपि और जूनियर इंजीनियरों के लगभग आधे दर्जन से अधिक आंदोलनकारियों को चोट आई है। इसमें महिला भी शामिल है। इन कर्मचारियों की ओर से बिरसा चौक के पास धरना दिया जा रहा था। दोपहर के समय आंदोलनकारियों अपनी मांगों को लेकर हाथों में बैनर के साथ नारेबाजी करते हुए झारखंड मंत्रालय की ओर जाने लगे। इसी दौरान पुलिस की इनसे झड़प हो गई और लाठीचार्ज कर दी। खबर है हजारीबाग से। राष्ट्र सरकार सुरक्षा जागरूकता रथ रवाना। सांसद जयंत सिन्हा बोले, ट्रैफिक के लिए बनेगा मास्टर प्लान। सड़क सुरक्षा सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को
सांसद जयंत सिन्हा एवं डीसी आदित्य कुमार आनंद ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ रवाना किया। जागरूकता रथ के माध्यम से सभी प्रखंडों के पंचायतों में सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। जयंत सिन्हा ने कहा है कि राष्ट्र सुरक्षा अभियान से लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने हजारीबाग के लिए ट्रैफिक समस्या पर मास्टर प्लान बनाने की घोषणा की है। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एंड खेलों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी या चाचा नेहरू, कौन है अब तक का सबसे अच्छा पीएम? जानिए सर्वे में लोगों ने क्या दिया जवाब। देश में कोरोना संक्रमण और किसान आंदोलन के बीच आए ताज़ा सर्वे में बताया गया कि 74% लोग पीएम नरेंद्र मोदी को कामकाज को अच्छा या बहुत अच्छा मानते हैं। 3 से 13 जनवरी के बीच इंडिया टुडे की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक देश में यदि आज चुनाव हो तो 43% वोट और 321 सीटें एनडीए को मिल सकती है। वहीं यूपीए को 27% वोट और 93 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। सर्वे में 30% लोगों ने पीएम मोदी के कामकाज को बहुत अच्छा बताया है, जबकि 44% लोगों ने अच्छा कहा है। 17% लोग पीएम के कामकाज को औसत मानते हैं तो 8% ने खराब बताया है। मोदी सरकार में बेहतर मंत्री कौन, इसके जवाब में 39% लोग ने अमित शाह को वोट दिया है तो 14% लोग राजनाथ सिंह को सबसे बेहतर मानते हैं, तो 10% की नज़र में मोदी सरकार के सबसे अच्छे मंत्री नितिन गडकरी है। नकाब हरकत सामने आने पर दुनिया को फिर बलगड़ा रहा है ड्रैगन। अरुणाचल प्रदेश में चीनी गांव पर ऐसे कर रहा है सीनाजोरी। चीन ने अपने उसी पुराने अंदाज में एक बार फिर से गाल बजाकर दुनिया को बरगलाने की कोशिश की है। चीन ने एक तो भारत की ज़मीन पर गांव बसा लिया और अब इस पर सीनाजोरी कर रहा है। कहता है कि यह उसकी ज़मीन है और वहां निर्माण कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अरुणाचल प्रदेश में चीनी गांव बसाने वाली रिपोर्ट का ड्रैगन ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और कहा कि उसने अपने क्षेत्र में यह निर्माण कार्य किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अपने खुद के क्षेत्र में चीन की निर्माण गतिविधियां सामान्य है और यह पूरी तरह संप्रभुता का मामला है। शाहजहां, जिसने अपनी हवस के लिए बेटी का नहीं होने दिया निकाह, वामपंथियों ने बना दिया महान। आतंकी संगठन ISISI के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि वह अल्पसंख्यक यजीदी महिलाओं को यौन गुलाम बना रहा है तो हमें आश्चर्य होता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के मुगल बादशाह ने भी बहुसंख्यक हिंदुओं को बड़े पैमाने पर यौन दासी यानी सेक्स स्लेव्स बनाया था। इसमें मुगल बादशाह शाहजहां का हरम सबसे अधिक बदनाम रहा, जिसके कारण दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड बसा शाहजहां के हरम में 8,000 रखेलें थी जो उसे उसके अब्बू जहांगीर से विरासत में मिली थी। उसने अब्बू की संपत्ति को और बढ़ाया और उसमें हरम की महिलाओं की व्यापक छटनी के साथ बुजुर्ग महिलाओं को भगाकर अन्य हिंदू परिवारों को जबरन महिलाएं लाकर हरम को बढ़ाता ही रहा। विमान से कांपा पाकिस्तान, सीमा पर भारत ने मारी दहाड़, आसमान में गरजे हमारे योद्धा। जोधपुर में 20 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक वायु सेना स्टेशन इंडो फ्रेंच हवाई अभ्यास रेजर कनाइट 21 चल रहा है। इस अभ्यास के दौरान राफेल विमानों ने भारत पाक सीमा के पास जमकर गरजे। फाइटर जेट ने न केवल गरजे बल्कि आसमान से डमी मिसाइलें भी दागे। जाहिर से बात यह है कि भारत फ्रांस की इस महायुद्ध में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पसीने जरूर छूटे होंगे। भाई को शादीशुदा बहन से हुआ प्यार, उसे शादी कर मार डाला। जानिए हैरान कर देने वाला ये क्रॉसिंग क्राइम। कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती है जिनके बारे में कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं रहते। बस हर कोई यह ही कह रहा है कि आखिर कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है। ऐसा मामला राजस्थान के कोटा में देखने को मिला, जहां एक युवक ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया। उसने अपनी बुआ की शादीशुदा बेटी को प्रेम जाल में फंसा कर उसकी शादी की, इसके बाद एक दिन उसकी हत्या कर दी। दरअसल यह सनसनीखेज मामला कोटा जिले के हड़ौती का है, जहां नरेश मीना नाम के युवक ने अपनी बुआ की लड़की मौसमी से शादी करके उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने यह कत्ल पत्नी के अवैध संबंध के शक को लेकर किया। कोटा ग्रामीण पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वैक्सीन डिप्लोमेसी में मोदी ने हमें हरा दिया, चीन ने स्वीकार की अपनी हार। दक्षिण एशिया के देशों में भारत का शुरू से ही अधिक प्रभुत्व रहा है। हालांकि पिछले एक दशक में श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश जैसे देशों पर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए चीन भी मैदान में कूदा,
वर्ष 2020 में जब चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया, तब दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव के सफाई के लिए भारत को एक बेहतरीन अवसर मिला। भारत ने पहले HCQ सप्लाई के माध्यम से और अब पड़ोसी देशों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई कर इन देशों में अपना प्रभुत्व कायम रखने में बड़ी सफलता हासिल की है। यह सफलता ऐसी है कि अब खुद चीनी मीडिया भी भारत के सामने हार मानती दिखाई दे रही है और इसके लिए वह भारत की आक्रामक नेवरहुड फर्स्ट नीति को जिम्मेदार ठहरा रही है। भाजपा दाढ़ी टोपी बुरका बैन कर देगी। सांप्रदायिक बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस लेफ्ट से हाथ मिलाने वाली AIDUF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का जहरीला भाषण। असम की सत्ता से सांप्रदायिक भाजपा को हटाने के लिए कांग्रेस द्वारा बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट समेत वाम दलों जैसे भाकपा माकपा भाकपा माले और आंचलिक गण मोर्चा के साथ गठबंधन करने के एक दिन बाद अजमल ने अपना धर्मनिरपेक्ष का मुखौटा हटाते हुए धुबरी में बेहद भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण दिया। नौकरियों की आएगी बाहर, कंपनियों ने की कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की तैयारी। पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत में नौकरी के मौके भले ही घटे हो, लेकिन एक सर्वेक्षण के मुताबिक 53% कंपनियां का कहना है कि वे 2021 में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। पेशेवर भर्ती सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी माइकल पेज इंडिया की टैलेंट ट्रेंड्स 2021 रिपोर्ट के मुताबिक महामारी ने पूरे एशिया प्रशांत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिसके चलते 2020 में भर्ती की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हुई। सोने के घिरे भाव, सरफरा बाजार में 924 रुपये सस्ती हुई चांदी, जाने कल का ताजा रिपोर्ट। कल सरफा बाजार में सोने चांदी की चमक थोड़ी फीकी रह गई। एक दिन पहले उछाल के बाद देश भर के सरफा बाजारों में शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव गुरुवार के मुकाबले 239 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 49,420 रुपये पर खुला, जबकि चांदी के भाव में 924 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है। वहीं 22 कैरेट सोना 45,269 रुपये, 23 कैरेट गोल्ड 49,222 रुपये और 18 कैरेट सोना 37,065 रुपये प्रति 10 ग्राम कैरेट से खुला। मुंबई में पेट्रोल 92 पार, घर बैठे जाने अपने शहर के दाम। देश में तेल कंपनियों की तरफ से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी है। कल एक बार फिर पेट्रोल डीजलों की कीमत में उछाल आया। डीजल के दाम में 23 से 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और वहीं पेट्रोल की कीमत 22 से 25 पैसे बढ़ी है। मेधा सरो ड्राइव्स को मिला वंदे भारत ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, मेक इन इंडिया पर जोर। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी रेल योजनाओं में से एक वंदे मातरम के लिए 44 जोड़ी नई रेलगाड़ियां बनाई जाएंगी। इसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनी मेधा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड को मिला है, जो मेक इन इंडिया के तहत इनका निर्माण करेगा। ईमानदार सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ। सरकारी कर्मचारियों को अब प्रमोशन को लेकर शिकायतें दूर हो सकती है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि डेमो डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग लगातार प्रमोशन की प्रक्रिया को आसान और तेज करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन समय समय पर दाखिल किए गए मुकदमों की वजह से इस प्रक्रिया में अड़चने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी सौगात, केंद्र सरकार 15 अगस्त 2022 तक देश के हर नागरिक को उपलब्ध करा देगी घर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार 15 अगस्त 2022 तक देश के हर नागरिक को घर मुहैया करा देगी। अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद के सीलज में 1 किलोमीटर लंबे ओवरब्रिज के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान कहा कि मोदी सरकार देश में ग्रामीण के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी आवास परियोजना चला रही है, लिहाजा मुझे भरोसा है कि 15 अगस्त 2022 तक देश में सभी को रहने के लिए घर की सुविधा होगी। RRB NTPC थर्ड फेज एडमिट कार्ड 2021 आधिकारिक सूचना जारी। रेलवे बोर्ड ने 31 जनवरी से शुरू हो रहे ऑनलाइन CBT 1 एग्जाम के तीसरे फेज की डेट जारी कर दी है। इस फेज में लगभग 28 लाख उम्मीदवार विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा देंगे। जिन उम्मीदवारों का एग्जाम इस फेज में है, वे अब अपने एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं।
बोर्ड ने जारी सूचना में एग्जाम डेट, सीटी, प्री ट्रेवल्स पास और एडमिट कार्ड समेत सभी जानकारियां दी है। परीक्षा से 10 दिन पहले यानी 21 जनवरी को आधिकारिक वेबसाइट पर एग्जाम सेंटर और सिटी चेक करने का लिंक एक्टिव हो गया। उम्मीदवार पहले ही अपनी एग्जाम सिटी और सेंटर चेक कर सकेंगे, जिसके बाद एडमिट कार्ड जारी होंगे। 21 जनवरी को फ्री ट्रेवल पास जारी कर दिया गया है। पास की मदद से उम्मीदवार एग्जाम सिटी तक फ्री रेल यात्रा कर सकेंगे। यह सभी जानकारी डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने क्रेडेंशियल्स की मदद से लॉगिन करना होगा। खबर खेल जगत से। शार्दुल ठाकुर टी नटराजन नहीं, कोच रवि शास्त्री ने मोहम्मद सिराज को बताया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के कोच। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड जैसे ऐतिहासिक मैदान पर अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भारत की तरफ से बॉर्डर गावस्कर सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज रहे। उन्होंने इस दौरान 3 टेस्ट मैचों में कुल 13 विकेट अपने नाम किए। सिराज ने ब्रिस्बेन में खेले गए सीरीज के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दूसरी पारी में 5 विकेट चटकाए और टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत में अहम किरदार निभाया। उनके इस प्रदर्शन के बाद टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने उनका जमकर तारीफ की और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की खोज बताया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।